मेरे पति, मेरी एक बेटी थी 3 साल की। अच्छा। हाँ, और बेटा था 9 साल का। अच्छा। जब मेरे पति खत्म हुए थे। अच्छा। हाँ, आज बेटी आपने देखी अभी, विशाखा। हाँ विशाखा, हाँ। मेरी बेटी है। और आप वहाँ उखर्रा में आए थे शांति फार्म हाउस में, वही मेरा ससुराल है। अच्छा। बेटा मेरा BCA कर रहा है, और बेटा मेरा जब 9 साल का था जब उसके पापा खत्म हुए थे, 2006 में खत्म हुए थे। बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ बहुत मुश्किल भी हुई थी, लेकिन पहले तो थोड़ा सास ससुर थे तो थोड़ा उनसे सपोर्ट मिल जाती थी, अब सास ससुर भी नहीं है। और नौकरी का क्या किया? नौकरी का मैंने बहुत चक्कर काटे, मगर ये बोल दिया कंटोनमेंट बोर्ड में कि नंबर नहीं आया तुम्हारा, नंबर नहीं आया, नंबर आएगा जब तुम्हें नौकरी पे लिया जाएगा। अच्छा, कितने साल हो गए? 2006 से जोड़िए आप, 2006 से आप क्या, चलिए 2020 चल रही है, 13 साल हो गए आराम से, 14वीं लगते। लेकिन को अभी नंबर भी आ गया था, लिस्ट भी टांग दी थी कंटोनमेंट बोर्ड में, तो मैं 8वें नंबर पे आ गई थी, मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा। मैंने कहा चलो अब दुख के दिन गए अब सुख के आएंगे, तो मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैं देखा काम करा, लेकिन वहाँ पे भी फिर मैं गई, मैंने कहा कि अभी तक तो मेरा नाम आ चुका था, अभी तक मेरी नौकरी क्यों नहीं, मेरा कुछ हुआ? तो कहती कि बोले ऐसा है अब कुछ नहीं हो रहा, सब काम रोक दिए गए हैं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ऐसे क्यों कहा? बोले आप ही का थोड़ी ना रोका, सभी का रोका गया। अच्छा, सबका रोका? हाँ सबका रोक दिया। हम 11 लेडीजों का नाम आया था, 11 लेडीजों का सबका रोक दिया। तो फिर मैं गई साहब के पास, तो साहब ने कह दी कि बोले जब सबका आएगा तो आपका भी आ जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मैं घरों में काम कर रही हूँ और मुझे पेंशन भी मेरा हो नहीं पा रहा, बच्चे बड़े हो गए तो जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो कहने लगे बोले आप ये सोचो आपको तो पेंशन मिल रही है, जिन औरतों से पूछो जिन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही है वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैंने कहा इनकी वो पढ़ा रही है, फिर उनके बच्चे कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं, किसी होटल में बर्तन भी धो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों से ये नहीं कराना चाहती क्योंकि बच्चों को अगर पैसों का लालच घुस जाएगा तो मन में बहुत अच्छे। हाँ, तो फिर वो पैसे की ओर भागेंगे ना पढ़ाई की ओर। इस वक्त कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरी बेटी 10th में और मेरा बेटा BCA कर रहा है। अच्छा। हिंदुस्तान कॉलेज से। अच्छा। हाँ तो कैसे कर रहे हो, इनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चल रहा है? मैं पढ़ाई का खर्चा तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कि अपना अपना सारे शौक मारे हुई, मैं जैसा मिल जाता है वैसा पहन लिया। मेरे पास अगर आप घर में जाओगे तो कोई मतलब ऐसे नहीं कि अरे सोना सस्ता हो गया तो आज चलो बहू के लिए ये बनवा लें या पहले से जेवर बनवाए या कुछ करा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस मेरे बच्चों की फीस और ये निकल जाए, थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ी सी बहनें सपोर्ट कर देती हैं, इन बहनों की दोनों की सरकारी जॉब है। हाँ, तो थोड़ी सी जे हेल्प कर देती है मेरी बहनें, और थोड़ा सा मैं भी अपनी, जैसे पेंशन मिलती है मेरे को तो पेंशन मैं घर में नहीं इस्तेमाल करती, घर में अपना अपने जो घरों में काम करती हूँ उस पैसे से अपना घर चला रही हूँ, और जो पेंशन मिलती है वो मैं उससे बच्चों की पढ़ाई कर रही हूँ। हालांकि पढ़ाई में भी कम पड़ जाती है पेंशन, तो फिर मैं बहनों से सपोर्ट लेती हूँ, तो मेरी बहन मेरी हेल्प करती है। अभी भी मैंने अपनी बहन से लिए, बड़ी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैंने कहा जी जी मुझे ऐसे ऐसे बच्चे की फीस बननी है और कमी पड़ रही है, और जिन घरों में भी काम करती हूँ उनसे भी मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, मैंने कहा आप अपने 1500 जैसे भी आपका कटे जैसे आप काटते रहना, और मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है। बोले अच्छा ठीक है। तो सब लोग मतलब मेरी बातों से कि चलो भाई अपने बच्चों के लिए कुछ कर लिए, तो पढ़ाई के उससे कोई मना नहीं करता, जैसे कभी किसी से ले लिए तो थोड़ा सा ये बस ब्याज से बच जाती हूँ, घरों में काम करती हूँ उनसे कह देती हूँ भाई आप मेरे 1000 दे रहे हो तो 500 दे देना, 500 आप अपने काट लेना इस तरीके से। जब आप इतना कर रहे हैं बच्चों के लिए तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? हाँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे समझ भी रहे हैं। बच्चों को मैं ये नहीं कि बच्चों के संग भी 1-2 घंटे टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को खाना बना के खाना अपने साथ हम खाते हैं, तो बच्चों को यही समझा रही हूँ कि बेटा कितने संघर्ष से मैं तुम्हें पाल रही हूँ, कितनी मेहनत से पाल रही हूँ, बस अब ये देख लो अगर इस पैसे को मैं किसी बैंक में या किसी में डालती तो आज मैं भी नोटों में खेल रही होती, आज मैं भी गहने जेवर से लदी होती, मैं किसी कोई शौक नहीं करती, कोई पुड़िया नहीं मल के खाती हूँ। बहुत सी औरतें मैंने कहा इससे जी 10 रुपए की पुड़िया खा रहे, 10 रुपए का दूध पियो ताकि शरीर में ताकत आए। कमाल। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा। आप कहाँ रहते हैं?
ओखर्रा ओखरा आगरा हाँ आगरा ओखर्रा में आगरा ठीक।